हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर रोज। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड हम लोगों को सरप्राइज देने में बहुत ही माहिर है। 2020 से लेके 2021 तक इन्होंने अपनी मॉडल पर बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। तो आज 21 में आज 1 सितंबर है, तो इन्होंने होने वाला है वो क्लासिक 350 बहुत ही डिफरेंट है। आज का क्लासिक 350 है वो जो है हम आप लोगों को दिखाएंगे शोरूम जाके, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। हमारा जो शोरूम है पास का, वहाँ से कॉल आया था कि उनका जो नया क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन है वो लॉन्च करने वाला है, तो इसीलिए हम लोग आज जा रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं मेरे जो बाइक है क्लासिक 350 का, ये 2001 का नया मॉडल है, ये BS6 का है। और आज जो लॉन्च होने वाला है वो इससे बहुत सारा डिफरेंट है, वो ही आप लोगों का आज हम दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं शोरूम पे। Let us introduce the new reborn Classic 350. दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो बाइक लॉन्च होने वाला है वो हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर दो कलर है, इसका कुल मिलाकर 11 कलर निकला है, वो अभी तक इस शोरूम पर नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ दो ही कलर आया है। सेल्स एग्जीक्यूटिव और सब कुछ बता रहे थे, इसका क्या खासियत है, इसका इंजन कैसा है, इसका लुक कैसा है, इसका जो चेंजेस है वो चेंजेस भी बता रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं इस बाइक में क्या क्या चेंजेस है। इसका जो प्लेटफॉर्म है जे प्लेटफॉर्म जो मिटियर से लिया गया है, कुल मिलाकर इसका सभी पार्ट्स मिटियर से बहुत ही मिलता जुलता है। जैसे कि इसका पहले जो एनालॉग मीटर आता था वो सेमी डिजिटल हो गया है, और इसमें आपको ट्रिप मीटर भी मिलेगा। इसका जो सीट है ये बहुत ही अच्छा कम्फर्टेबल है, और इसका जो साइलेंसर है ये साइलेंसर भी चेंज कर दिया गया है, ये मीटियर की तरह ही लग रहा है। तो मीटियर के ज़्यादातर
दोनों जो ब्रेक्स है वो भी डुअल चैनल एबीएस है। इसका हैलोजन लाइट जैसे पहले था वैसे ही रह गया। इंजन पहले से इस बाइक में एक ख़ास बात यह है कि इस बाइक में हैजर्ड सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। इसका जो टैंक का जो लुक है वो बहुत अच्छा हो गया है। क्रोम का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर ये बाइक जो है इसका सभी पार्ट्स जैसा लग रहा है कि मीटियर से लिया गया है। नाम ही सिर्फ क्लासिक रखा गया है। पहले वाला जो क्लासिक आता था उससे ये बहुत ही उससे ये बहुत सारा डिफरेंट लग रहा है। इसका इंजन भी मीटियर का ही है। इसका जो टेल लैंप है वो भी मीटियर की जैसा ही लग रहा है। इसके इंडिकेटर वो भी क्लासिक लुक है जो पहले आता था बुलेट पर। वो इसका आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा जो आपके लेफ्ट साइड में है। और इसका जो किल स्विच है, किल स्विच में तीनों काम करेगा। ये इंजन को ऑफ करेगा, इंजन को ऑन करेगा, हैजर्ड को ऑन करेगा, ठीक है, ये सब करेगा। इसका जो लीवर है, दोनों लीवर, एक जो ब्रेक और एक क्लच, इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये बहुत ही अच्छा है। इसकी प्राइसिंग पहले से थोड़ा ज़्यादा है। एक शोरूम प्राइस है 1.85 लाख टू 2.15 लाख आपको पड़ जाएगा। और सिटी के हिसाब से ये ज़्यादा या कम हो सकता है। ये हमारा गौतम दा है, ये स्मोकी राइडर यूट्यूब चैनल का ओनर।